प्रदेश सरकार के निर्देश पर 22 जुलाई से संभागीय परिवहन विभाग के द्वारा सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसके संबंध में आरटीओ अनीता सिंह ने बताया कि प्रदेश सरकार के निर्देश पर 22 से 28 जुलाई तक जनपद में सड़क सुरक्षा सप्ताह का कार्यक्रम चल रहा है। उन्होंने बताया कि सड़क सुरक्षा सप्ताह के पहले दिन जनपद के जनप्रतिनिधियों ने पूरे प्रदेश में सड़क सुरक्षा सप्ताह कार्यक्रम का शुभारंभ किया है तथा जनप्रतिनिधियों ने जनता को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किया तथा दूसरे दिन बस, ट्रक, ऑटो रिक्शा चालकों को सुरक्षा के प्रति जागरूक किया गया। उन्होंने बताया तीसरे दिन प्रदूषण जांच केंद्रों की चेकिंग की गई तथा 40 से ज्यादा गाड़ियों का चालान किया गया और 200 गाड़ियों को चेक किया गया। उन्होंने बताया सड़क सुरक्षा सप्ताह के चौथे दिन सीट बेल्ट और ड्रिंक एंड ड्राइव के खिलाफ सघन चेकिंग अभियान चलाया गया और सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किया गया तथा पांचवें दिन बस स्टेशन पर चालकों और परिचालकों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किया गया और छठवें दिन बस और ट्रक का अभियान चलाकर 100 गाड़ियों को चेक किया गया तथा सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किया गया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए आरटीओ अनीता सिंह ने कहा, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के अनुसार उनकी बहुत इच्छा थी कि ये सड़क सुरक्षा सप्ताह चला के लोगों को सड़क सुरक्षा के नियमों के प्रति जागरूक किया जाए। इस उपलक्ष्य में उन्होंने माननीय शासन स्तर पे एक परिपत्र जारी कराया, जिसमें परिवहन विभाग को और अब मेरे ख्याल से सारे जिले के कई विभागों का एक सम्मिलित सहयोग से सड़क सुरक्षा सप्ताह बनाने का निर्णय लिया गया, जो 22 जुलाई से 28 जुलाई तक चलाया गया है। आज उसका छठा दिन है और हमने प्रथम दिवस में जो 22 तारीख को है कि प्रत्येक जिले के जो जनप्रतिनिधि अंगण हैं, चाहे सांसद हों, चाहे विधायक जी हों या जिलाधिकारी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय, इन सब के द्वारा इस सड़क सुरक्षा सप्ताह का शुभारंभ किया है और उस उपलक्ष्य में उस दिन उन्होंने जनता को सड़क सुरक्षा के नियमों से जागरूक कराया है लोगों को। द्वितीय दिवस में सभी बस, ट्रक, ऑटो और ई रिक्शा तथा टैक्सी चालकों के यूनियन के पदाधिकारियों के साथ सड़क सुरक्षा का जागरूकता का कार्यक्रम हुआ था, जिसमें लगभग पूरे संभाग में 250 से लेकर 400 लोग सम्मिलित हुए थे और उसमें उन लोगों के द्वारा भी ये संकल्प लिया गया है कि जो बस चालक हैं या ट्रक चालक हैं, ऑटो चालक हैं, ये सड़क सुरक्षा के नियमों के तहत ही गाड़ी चलाएंगे और धीरे धीरे उनको पंपलेट वगैरह और उनके द्वारा जो उनके साथ मीटिंग करके हम लोग और भी जागरूकता का कार्यक्रम का आयोजन कराएंगे, जैसा उनके पदाधिकारियों द्वारा हमें आश्वासन मिला है। तृतीय दिवस पर प्रदूषण जांच केंद्रों की चेकिंग और मानक से अधिक प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों की चेकिंग का भी प्रोग्राम था, जिसके तहत पूरे संभाग में हम लोगों ने 200 से 300 गाड़ियों की प्रदूषण की वाहन के चेक किए गए और मानक के अनुरूप उसमें 173 गाड़ियाँ हमारी मानक के अनुरूप पाई गई थी और चालान हम लोगों ने उस टाइम 40 गाड़ियों का चालान भी किया था। चतुर्थ दिवस में सीट बेल्ट व मोबाइल ड्रंक एंड ड्राइविंग के विरुद्ध सद्भावनापूर्ण चेकिंग किया गया, जिसमें चेकिंग के दौरान उल्लंघनकर्ताओं को कोविड-19 के बचाव और सड़क सुरक्षा संबंधी वीडियो क्लिप को मोबाइल द्वारा दिखाया गया। इस उपलक्ष्य में बैठ जाइए, सभी को सद्भावनापूर्ण चेकिंग का मतलब सिर्फ इतना था कि उस टाइम उनको सिर्फ जागरूक किया जाए, उनको दंडित करने का हमारा कोई औचित्य नहीं था। हमारा सिर्फ इतना पर्पस था कि हम उनको सड़क सुरक्षा के नियम के लिए और इस नियम को उनको अपने लाइफ स्टाइल में लगाने के लिए रखने के लिए हम लोग उनको जागरूक कर सकें, ये हमारे परिवहन अधिकारियों का मोटिव था और उसमें वो काफ़ी हद तक सफल भी हुए हैं। पूरे संभाग के अधिकारियों ने बड़ी मेहनत की है इस अभियान को चलाने में। पांचवें दिन में परिवहन निगम के अधिकारियों के सहयोग से प्रमुख बस स्टेशनों पर कोविड-19 से बचाव और सड़क सुरक्षा संबंधी कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, जिसमें चालकों और परिचालकों एवं यात्रीगणों को जागरूक किया गया था और परिवहन निगम के चालकों हेतु बस स्टेशन पर ही हेल्थ कैंप का भी आयोजन किया गया, जिसमें उनको कोविड-19 के बचाव की जानकारी दी गई और अनधिकृत रूप से संचालित बसों के विरुद्ध चेकिंग का भी काम किया गया था। इसमें पूरे संभाग स्तर पर हमने 100 बसों का चेक किया गया था, जिसमें 28 गाड़ियों का भी चालान किया गया है। इस तरह से लगातार अब आज और कल का दो दिन का और हमारा अभियान बचा हुआ है, जिसमें जागरूकता ही कार्यक्रम बनाया जाएगा, जिसमें ऑटो एसोसिएशन के द्वारा एक गोष्ठी अपना हमारे परिवहन अधिकारियों के साथ की जाएगी, जिसमें सड़क सुरक्षा और कोविड-19 से बचाव और जागरूकता का कार्यक्रम चलाया जाएगा।